गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम लोग अपना टॉपिक चालू कर रहे हैं जिसका नाम है कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट। दोस्तों, ये जो टॉपिक है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट, ये अपने सीए फाउंडेशन में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इस टॉपिक का काफ़ी वैल्यूबल मार्किंग इसकी आती है, कभी 10 नंबर के, कभी 12 नंबर के, कभी 8 नंबर के, 2-2 मार्क्स के इसके क्वेश्चंस होते हैं, ट्रू फॉल्स टाइप में या गिव रीजन टाइप में, या आइडेंटिफाई वेदर दिस एक्सपेंडिचर इज कैपिटल एंड रेवेन्यू। ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर हमने इस चैप्टर को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा दोस्तों, तो मान के चलना हम किसी भी प्रकार की अकाउंटिंग को आगे जाके अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इस चैप्टर की थीम में यही बोलना चाहूँगा कि आप जब खर्चा करते हो तो आपको उसका प्रॉपर वे में कैरेक्टरिस्टिक्स समझना पड़ेगी कि वो खर्चा कौन सा है। अगर वो खर्चा रेवेन्यू है तो आपको उसको ट्रेडिंग या P&L में लिखकर ख़त्म करना पड़ेगा। अगर वो खर्चा कैपिटल है तो आपको उसको बैलेंस शीट के असेट्स में लिखना पड़ेगी और उस पर धीरे धीरे करके डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। अगर वो डेफर्ड रेवेन्यू है तो एज पर दिस चैप्टर वो कहता है कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शुड बी राइट ऑफ अकॉर्डिंग टू द बेनिफिट ऑफ दैट एक्सपेंडिचर, कितने सालों में उसका बेनिफिट मिल रहा है। बट नाउ इट इज एस कहता है कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी रेवेन्यू जैसा ट्रीट करें। चले हम लोग इसके डिटेल स्टडी पे आते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली हमें करना क्या है, इस चैप्टर में बेसिकली हमको एक्सपेंसेस को 3 हिस्सों में बांटना है मेरे दोस्तों। इस चैप्टर में बेसिकली हम एक्सपेंसेस को 3 हिस्सों में बांटेंगे। एक्सपेंसेस हैज बिन डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी दोस्तों, राइट। ये रहा एक्सपेंसेस को हम लोग यहाँ पे बेसिकली 3 कैटेगरी में बांटेंगे। पहली कैटेगरी, क्या वो खर्चा रेवेन्यू है? सेकंड, क्या वो खर्चा कैपिटल है? और तीसरा, क्या वो खर्चा डेफर्ड रेवेन्यू है? दोस्तों, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी हमको समझना है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोगों को ये सीखना है कि वो खर्चा इन तीनों कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी में आता है। आपने जो एक्सपेंसेस करा है उस एक्सपेंसेस का बंटवारा आपको करना है। अगर वो खर्चा रेवेन्यू हुआ ना दोस्तों, तो उस खर्चे को आप लिखोगे कहाँ पे? उस खर्चे को आप लिखोगे ट्रेडिंग में या P&L में। अगर वो खर्चा कैपिटल हुआ दोस्तों, तो आप उस खर्चे को लिखोगे बैलेंस शीट में। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को पहले लिखा करते थे बैलेंस शीट में, आजकल इसे रेवेन्यू की तरह ट्रीट करके ट्रेडिंग या P&L में लिख के राइट ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम डेफर्ड रेवेन्यू के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम लोग बेसिकली यहाँ पे दो तरह की बात करेंगे कि खर्चा कौन सा खर्चा है। दोस्तों, एक अपने खर्चे की कैटेगरी की बातचीत करें तो खर्चा किस कैटेगरी में आपको लेगा, रेवेन्यू है कि आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। दोस्त, मैं इसे बेसिकली दो हिस्सों में बांटना चाहूँगा एक्सपेंडिचर को, कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वो एक्सपेंडिचर डेफर्ड रेवेन्यू है, कि वो खर्चा रेवेन्यू है, कि वो खर्चा कैपिटल है। बट बिफोर दैट हम लोग दो कैटेगरी में लेना चाहेंगे, खर्चे को रेवेन्यू और खर्चे को कैपिटल में। चले दोस्तों, हम लोग कैसे बंटवारा करेंगे कि वो एक्सपेंडिचर कहाँ क्या है। सबसे पहली बात, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की परिभाषा को समझें दोस्तों हम लोग, तो फील करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अर्थात इस चैप्टर में हमको खर्चों के बंटवारे करने की बात करनी है। बंटवारे करने के साथ हमें ये देखना है कि उस खर्चे को हम कैसे ट्रीट करके कहाँ लिखेंगे। तो दोस्तों, इस चैप्टर के नाम को मैं एक बार फिर से आपके सामने हाईलाइट करना चाहता हूँ कि इस चैप्टर का जो नाम दिया वो कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट की बातें दोस्तों इसने बोली गई है, अर्थात हमने जो खर्चा किया उसको हमको बंटवारा कैसे करना है। मैंने अपने नोट्स में जो थ्योरी दी है मैं उसकी बातें करूँगा, पर पहले नोट्स पढ़ने के पहले अपन लोग अपने हिसाब से अपनी थ्योरी को डिस्कस करें कि हाउ टू एलोकेट द एक्सपेंडिचर बिटवीन द कैपिटल एंड रेवेन्यू। दोस्तों, तो यहाँ पे अगर हम पॉइंट वाइज इसको लेना चाहेंगे दोस्तों, तो हम यहाँ पे एक पॉइंट वाइज भी बना देते हैं कि हम पॉइंट वाइज इसे कैसे डिस्कशन करेंगे। चले दोस्तों, हम लोग यहाँ पे अगर पहली बात करते हैं तो सीरियल नंबर 1 में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वो एक्सपेंडिचर जो हमारे बिजनेस को ऑपरेट करने में होते हैं, रूटीन में होते हैं, लगातार होते हैं, बार बार होते हैं, होते रहते हैं। तो ऐसे खर्चे जो हमारे बिजनेस को ऑपरेट करने में होते हैं, ऐसे खर्चे जो हमारे बिजनेस को ऑपरेट करने में होते हैं, वो खर्चे हमारे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। ये खर्चे हमारे बिजनेस में रेगुलर होते हैं दोस्तों, ये खर्चे हमारे बिजनेस को
रूटीन चलाने में होते हैं, मेंटेनेंस करने में होते हैं दोस्तों। तो ये खर्चों की अगर मैं बातचीत करूं तो मेंटेनेंस करने में होते हैं ये खर्चे। वो खर्चे होते हैं जो हमारे लिए रूटीन खर्चे होते हैं दोस्तों। इन खर्चों के अगर मैं एग्जांपलों की बात करूं मेरे दोस्तों, तो इन खर्चों में हम तमाम ऐसे खर्चों की बात करेंगे जो हमारे रूटीन रेगुलर खर्चे होते हैं। जैसे हमने अपने स्टाफ को वेजेस दी, हमने माल खरीदा तो उस पर भाड़ा लगा, हमने कोल गैस एंड वाटर फ्यूल वगैरह के खर्चे करे, हमने अपने स्टाफ को सैलरी दी, हमने अपना टेलीफोन का बिल भरा, हमने अपना इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस करे दोस्तों। हम रूटीन में एडवर्टीजमेंट करते हैं, अब इस पर हम चर्चा करेंगे। एडवर्टीजमेंट पे हमको आगे डिटेल चर्चा करनी है। हमको स्टेशनरी के लिए खर्चा करना पड़ा, स्टेशनरी के लिए हम लोगों ने एक्सपेंडिचर करे दोस्तों। तो ऐसा खर्चा जो हमारे बिजनेस में रूटीन होता है, लगातार होता है, बार बार होता है, होता रहता है, ऑपरेट करने के लिए होता है, मेंटेनेंस करने के लिए होता है, रूटीन बिजनेस को चलाने के लिए होता है, उस खर्चे को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं दोस्तों। और अगर मैं बातचीत करूँ कि इस एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूँ कि इस एक्सपेंडिचर को मैं कहाँ लिखूँगा, तो दोस्तों इस खर्चे को मैं लिखूँगा अपने या तो ट्रेडिंग अकाउंट में और या P&L अकाउंट में लिखूंगा दोस्तों। इस खर्चे का बेनिफिट जो मुझे मिलता है दोस्तों, वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं मिलता, शॉर्ट पीरियड के लिए मिलता है दोस्तों। इसका बेनिफिट जो मुझे मिलता है वो शॉर्ट पीरियड के लिए मिलता है दोस्तों। अर्थात ऐसा खर्चा जो रूटीन बिजनेस को रूटीन करने के लिए होता है, मैनेजमेंट करने के लिए होता है, ऑपरेट करने के लिए होता है, रेगुलर के लिए होता है। अपने ऑफिस में बिजली का बिल आया, टेलीफोन का बिल आया, स्टाफ को सैलरी दी, प्रिंटिंग स्टेशनरी लगी, पोस्टर्स टेलीग्राम लगे, बैंक चार्जेस लगे, ऑफिस एक्सपेंसेस लगे, रूटीन एडवर्टीजमेंट हुआ, वेजेस लगी, कूल गैस एंड वाटर लगी, कैरेज इनवर्ट लगी। सर आप ये वो तमाम खर्चे बोल रहे हो जो आप ट्रेडिंग अकाउंट के डायरेक्ट एक्सपेंसेस और P&L अकाउंट के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिखते थे। यस दोस्तों, मैंने इसीलिए इसे बोला कि मैं या तो इसे ट्रेडिंग में लिखूंगा या P&L में लिखूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेडिंग में लिखे जाने वाले तमाम खर्चे डायरेक्ट ऑपरेटिंग होते हैं, तमाम खर्चे आपके रेवेन्यू होते हैं, P&L में लिखे जाने वाले तमाम खर्चे आपके रूटीन होते हैं, ऑपरेटिंग होते हैं, मैनेजमेंट करने से रिलेटेड होते हैं दोस्तों। तो तमाम जो आपके बिजनेस को रूटीन ऑपरेट करने में होते हैं, रेगुलर करने में होते हैं, उन खर्चों को आप बिजनेस के ऑपरेटिंग खर्चे, रेवेन्यू खर्चे की तरह ट्रीट करोगे। इनका बेनिफिट आपको एक शॉर्ट पीरियड के लिए मिलता है, शॉर्ट टाइम के लिए मिलता है। इनका बेनिफिट आप लोगों को जो मिलता है वो आपको एक निश्चित समय अवधि के लिए मिलता है, उससे ज़्यादा के लिए आपको समय अवधि के लिए इसका बेनिफिट नहीं मिलता है। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बातचीत करूँ आपके साथ में, तो बहुत क्लियर सी बात है कि रेवेन्यू खर्चे को हम ट्रेडिंग P&L में लिखकर सुहाग करेंगे, इसका बेनिफिट हमें एक साल या उससे कम के लिए मिलता है। यह खर्चा रूटीन होता है हमारे बिजनेस में, रूटीन रिपेयर हुई, रूटीन मेंटेनेंस हुई, रूटीन एडवर्टीजमेंट हुई, रूटीन बिजली का बिल आया, रूटीन टेलीफोन का बिल आया, रूटीन कैरेज इनवर्ट लगा, रूटीन के जो भी खर्चे होते हैं दोस्तों, सारे के सारे खर्चे हमारे रेवेन्यू खर्चे होते हैं। इन रेवेन्यू खर्चों को हम ट्रेडिंग P&L में लिखते हैं दोस्तों। मैंने माल खरीदा, मैंने गुड्स खरीदा, रेवेन्यू हुआ, ट्रेडिंग में लिखा। मैंने गुड्स खरीदने पे भाड़ा लगाया, रेवेन्यू हुआ। गुड्स को प्रोसेस करने में मेरे को मजदूरी लगी, कोल गैस एंड वाटर लगा, रेवेन्यू हुआ। स्टाफ की सैलरी लगी, प्रिंटिंग स्टेशनरी लगी, पोस्टर्स टेलीग्राम लगा, बैंक चार्जेस लगा, ऑफिस एक्सपेंसेस लगा, तमाम खर्चे रेवेन्यू है, ऑपरेटिंग खर्चे हैं, ट्रेडिंग P&L में लिखे जाएंगे। ओके दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर बातचीत करूँ आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर की परिभाषा दोस्तों, ऐसा खर्चा जो आपके बिजनेस में आपके असेट्स को एक्विजिशन के लिए होता है, असेट्स परचेज एक्विजिशन में कर। आपने कपड़े की दुकान है दोस्त आपकी, और आपने कपड़ा खरीदा, रेवेन्यू पर कपड़े की दुकान है, पंखा खरीदा, टेबल खरीदी, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आपका कार का शोरूम है, कार खरीदी, रेवेन्यू, क्योंकि वो गुड्स हो गई। पर मेरा कार का शोरूम नहीं, मेरी कपड़े की दुकान है, मेरी कोई भी चीज की दूसरी दुकान है, और मैंने कार खरीदी, मैंने फर्नीचर खरीदा, ये सब मेरी क्या है, असेट्स है। असेट्स को एक्वायर करना, असेट्स को खरीदना, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसे बैलेंस शीट में लिखेंगे। या कोई ऐसा खर्चा करा जिसका बेनिफिट मुझे लंबे समय तक मिलेगा, मोर देन वन ईयर का मिलेगा। इसका बेनिफिट अगर मैंने बेनिफिट की बात करूं, मोर देन वन ईयर बहुत लंबे समय के लिए मिल रहा है, इसका बेनिफिट मुझे लॉन्ग टर्म के लिए मिल रहा है, ये असेट्स में यूज करूंगा लॉन्ग टर्म के लिए यूज करूंगा,
राइट, इसका जो एक्सपेंडिचर होता है वो बड़ी अमाउंट का होता है, बिग अमाउंट का होता है, बिग अमाउंट का होता है, मटेरियल अमाउंट का होता है। इसको जो मैं खर्चा जो मेरे को दिया गया है दैट इज़ यूज फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस, बिग अमाउंट का खर्चा होता है, बेनिफिट मोर देन वन ईयर का मिलता है। इसे मैं दोस्तों आपने बातचीत करूँ तो मैं इसे लिखूँगा बैलेंस शीट के असेट्स में दोस्तों, और मैं इसे कहाँ लिखना पसंद करूँगा दोस्तों, बैलेंस शीट के असेट्स में, पक्की बात है। तो अगर मैंने असेट्स खरीदी तो वो खर्चा मेरे लिए बैलेंस शीट के असेट्स में। सेकेंड नंबर के पॉइंट इस पर हम और डिस्कशन करें तो हम क्या करते हैं, जब अगर मैंने कोई असेट्स खरीदी तो उस असेट्स को जब तक पुट टू यूज़ नहीं करता हूँ, जब तक रेडी टू यूज़ नहीं करता हूँ, जब तक के सारे खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं और उस असेट्स की कॉस्ट में जोड़े जाएंगे। जैसे मैंने एक प्लांट मशीनरी बॉम्बे से खरीदी, मैं इंदौर में रहता हूँ दोस्त, मैंने एक प्लांट मशीनरी बॉम्बे से खरीदी, 1,00,000 रुपये की कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसको खरीदने में मुझे फ्रेट लगा, भाड़ा लगा 10,000 रुपये तक का, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसे मैंने इस्टेब्लिशमेंट करने में, इंस्टॉलेशन करने में 5,000 रुपये लगा, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके ट्रायल करने में, उसमें कुछ मटेरियल वटेरियल डाला, कुछ ऑयलिंग ऑयलिंग करी, मशीन को चालू करने में मेरे को 3,000 रुपये लगे, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस प्रकार मेरे टोटल 1,00,000 + 10,000 + 5,000 + 3,000 1,18,000 रुपये मेरे पूरे खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में रहेंगे। अब मशीन मेरी चालू हो गई, उसके बाद उसकी रूटीन रिपेयर कराई, रूटीन रेगुलर मेंटेनेंस कराया, वो रेवेन्यू हो गया। पर जब तक असेट्स मेरी पुट टू यूज़ नहीं हो, रेडी टू यूज़ नहीं हो, जब तक के खर्चे मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। इवन दो अगर मैंने असेट्स खरीदने के लिए कहीं से लोन लिया और एडवांस पैसा दिया है तो उस लोन पर भी ब्याज पुट टू यूज़ के पहले के पीरियड का अगर ब्याज लग रहा है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, और पुट टू यूज़ के बाद का लग रहा है तो रेवेन्यू है। अर्थात पुट टू यूज़ के पहले के एक्सपेंडिचर को सबको असेट्स के कॉस्ट में जोड़कर और मैं टोटल असेट्स में डेबिट करूंगा और इसकी जर्नल एंट्री होगी। पहले अपन यह बात करें कि ऑल एक्सपेंसेस ऑन असेट्स ऑल एक्सपेंडिचर ऑन असेट्स बिफोर पुट टू यूज इज कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। इस दशा में मेरे दोस्तों आपकी जो जर्नल एंट्री जो की जाएगी वो आपकी जर्नल एंट्री क्या की जाएगी, जरा देखते हैं। चलें दोस्तों, इस दशा में आपकी जो जर्नल एंट्री की जाएगी वो यहाँ पे, मान लो मैंने एक असेट्स खरीदी और उस पर भाड़ा लगा और ये सब कुछ लगा, तो मैं डायरेक्ट एंट्री करूँगा असेट्स अकाउंट डेबिट, मतलब वही प्लांट मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक या टू पार्टी, जो भी बात करूँ, 1,18,000 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 18,000 रुपये के जो खर्चे लगे हैं दोस्तों, जो मेरी असेट्स 1,00,000 की थी पर 18,000 के बिफोर द असेट्स पुट टू यूज़ इज़ द कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट वुड बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ द असेट्स, इट वुड बी शोन इन द बैलेंस शीट and the depreciation would be charged on 1,18,000, not on the 1,00,000 rupees। और बात करें दोस्तों, अगर मान लो मेरी कोई existing assets भी और उस पर मैं repair करता हूँ और वो routine repair करता हूँ तो revenue है, पर अगर मैंने कोई existing assets का कोई parts change किया जिससे उसकी capacity बढ़ गई, जिससे उसकी life बढ़ गई, enhance capacity का काम किया मैंने उस पर, कोई expenditure करा, expenditure on assets राइट फॉर विच कैपेसिटी हैज बीन इंक्रीज, अगर उससे उसकी कैपेसिटी क्या हो गई हो दोस्तों, बढ़ गई हो, तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जैसे मैंने एक असेट्स की मेजर रिपेयर करी और उससे उसकी लाइफ 5 साल और बढ़ गई, मैंने एक असेट्स में कोई ऐसा नया पार्ट लगा दिया जिससे उसकी लाइफ बढ़ गई, मैंने मेरी व्हीकल थी, मेरी कार थी वो 10,00,000 की खरीदी थी मैंने, उस पर रूटीन पेट्रोल भरवा रहा हूँ रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर उस पर रूटीन मेंटेनेंस करा रहा हूँ रेवेन्यू। अब उसमें मैंने एक पावर सेवर इक्विपमेंट और लगाया जिसकी कीमत 50,000 रुपये, ये पावर सेवर इक्विपमेंट, ये जो मैंने फ्यूल सेवर इक्विपमेंट लगाया जिससे मेरा फ्यूल की बचत, तो मेरा एवरेज ज़्यादा है, तो ये 50,000 रुपये कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि सेट्स की लाइफ बढ़ गई है, इससे उसकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई। अगर आप कोई खर्चा कर रहे हो और उससे उसकी अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन हो रही है तो रेवेन्यू,
अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है, प्रोडक्शन ज़्यादा दे रहा है, एवरेज ज़्यादा दे रहा है, तो कैपिटल। आपके यहाँ रूटीन बिजली का बिल आता है दोस्तों, रेवेन्यू। पर आपने अपने बिजली के बिल को कम करने के लिए मीटर में एक लीगली तौर पर, कानूनन तौर पे, वो चुंबक उंबक वाला काम नहीं, जो लीगली चोरी वाला काम नहीं करना, अपने वो लीगली तौर पे बातचीत करनी है, जिसमें अपने लीगली एक इंस्ट्रूमेंट लगाया और उस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से मेरे दोस्तों आप लोगों का बिजली का बिल आधा हो गया, कम हो गया, या 25% कम हो गया। अब वो जो इंस्ट्रूमेंट का खर्चा दोस्तों वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि उससे आपके रूटीन एक्सपेंडिचर कम होके कैपेसिटी बढ़ रही। तो दोस्तों अगर कोई आपने खर्चा किया जिससे असेट्स की लाइफ बढ़ गई हो, या ऐसा कोई एक्सपेंडिचर करा हो जिससे रूटीन एक्सपेंडिचर कम हो गए हो, वर्किंग एक्सपेंडिचर कम हो गए हो, तो इन दोनों ही दशाओं में वो जो एक्सपेंडिचर आपने किया है जिससे लाइफ बढ़ी, कैपेसिटी बढ़ी, या रूटीन खर्चे कम हुए, वो खर्चा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर रेयरली होता है, और ये अपना खर्चा कौन सा होता है? रूटीन में होता है, राइट? आपने एक व्हीकल खरीदा, व्हीकल को खरीदते समय आपने उस पर एसेसरीज लगवाई, व्हीकल को खरीदते समय आपने उसका आरटीओ में रजिस्ट्रेशन कराया, बिना आरटीओ के रजिस्ट्रेशन के वो असेट्स, वो कार सड़क पे नहीं आ सकती। आरटीओ, रजिस्ट्रेशन, एसेसरीज, ये तमाम खर्चे आपके कैपिटल है। इवन दो कार को स्टार्ट करने के लिए पहली बार जो पेट्रोल डाला वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो जब तक कार रेडी टू यूज, पुट टू यूज, सड़क पे आने लायक नहीं बन जाए, जब तक कि पहली बार किए गए, तमाम खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बाद के खर्चे रूटीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आपने एक मकान बनाया, बिल्डिंग बनाई, ऑफिस बनाया, शोरूम बनाया, फैक्ट्री बनाई, उस फैक्ट्री में लगे गए तमाम आपके ईंट, सरिये, इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर की सैलरी वैलरी, सब कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बिकॉज दैट ऑल एक्सपेंडिचर आर इनकट फॉर द क्रिएटिंग ऑफ द असेट्स दैट आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। फर्स्ट टाइम आपने बिल्डिंग बनाने के, तो उसमें कलर करा, पुताई करी, रंगाई करी, ये खर्चा भी दोस्तों आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। लेकिन सेकेंड टाइम आपने उस पर कलरिंग वगैरह करा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। इवन दो फर्स्ट टाइम आपने मकान, शोरूम, ऑफिस, बिल्डिंग, फैक्ट्री में लाइट फिटिंग करी, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा। और बाद की लाइट फिटिंग वगैरह जो रिप्लेसमेंट करी या जो खराब गई उसे चेंज करा आपने, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा। इट मीन्स ये कि पहली बार आप अगर किसी असेट्स को खरीदने या बनाने या कंस्ट्रक्ट करने में कोई भी खर्चा करते हो, जब तक कि वो असेट्स पुट टू यूज़ नहीं हो जाए, रेडी टू यूज़ नहीं हो जाए, काम करने लायक नहीं बन जाए, तब तक उस पर किए गए तमाम तरह के खर्चे आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे, और वो सारे एक्सपेंडिचर आपके असेट्स की कॉस्ट में जोड़े जाएंगे। उसके बाद उस असेट्स को रूटीन मेंटेनेंस करने के किए गए तमाम खर्चे आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे, और वो ट्रेडिंग या पीएनएल में लिखाएंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट आपको एक साल से ज़्यादा के लिए मिलता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट आपको एक साल या उससे कम के लिए मिलता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके लंबे समय की सोच को दर्शाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके कम समय या सीमित समय की सोच को दर्शाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करके वहीं स्वा करके क्लोजिंग एंट्री पास करके ट्रेडिंग और पीएनएल में लिख दिया जाता है, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर को बैलेंस शीट में लिखकर अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका जो होता है वो छोटी अमाउंट का होता है, नॉमिनल अमाउंट का होता है, रेगुलर होता है, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका बड़ी अमाउंट का होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रूटीन रेगुलर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेयरली होता है। ओके दोस्तों, इतनी सब बातों को हम कंपेयर करते हुए बातचीत करते कि रेवेन्यू को ट्रेडिंग पीएनएल में लिखते हैं, कैपिटल को असेट साइड में लिखा जाता है। ठीक है सर, अगले पॉइंटों को हम लोग आगे की बातचीत करें। सर, मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। प्रॉपर्टी को खरीदने में रजिस्ट्री करवाई, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाने के लिए वकील को फीस दी, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। पेपर में लीगल नोटिस दिया, जाहिर सूचना दी, पब्लिक नोटिस दिया कि मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, किसी का कोई ऑब्जेक्शन हो तो आ जाए, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बिकॉज दैट ऑल एक्सपेंडिचर आर इनकर्ड बिफोर द असेट्स पुट टू यूज, बिफोर द असेट्स टेकिंग ओवर, सो दैट एक्सपेंडिचर आर नेसेसरी टू एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी, सो दैट इज नोन एज रजिस्ट्री चार्जेस, लॉयर फी, पब्लिक नोटिस, दैट ऑल आर द कैपिटल एक्सपेंडिचर। फर्स्ट टाइम कंस्ट्रक्शन पे वाइट वॉश, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। पहली बार हम कोई भी काम करते हैं उसकी लाइसेंस फीस लगी हमें, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। गाड़ी खरीदी, उसकी आरटीओ की फीस दी, उस पर हमने पहली बार इंश्योरेंस कराया, फर्स्ट टाइम इंश्योरेंस कराया, फर्स्ट टाइम ट्रायल कराया, फर्स्ट टाइम एक्सेसरीज लगाई, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इवन दो मैंने सेकेंड हैंड गाड़ी किसी से खरीदी, मैंने किसी से सेकेंड हैंड गाड़ी, सेकेंड हैंड स्कूटर किसी से 10,000 रुपये में खरीदा, पर मैं अपने ऑफिस में ले जाने के पहले मैंने मैकेनिक को दिया और मैंने बोला इसको पूरा सुधार के रेडी करके सजा सुजू के मेरे को देना। उसने उसको सुधार के उसमें जो भी चीज़ें खराब थी सब कुछ ठीक ठाक करके मेरे को 5,000 रुपये लिए और दे दिए। अब वो जो 5,000 रुपये जो मैंने मैकेनिक को दिए दोस्तों, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज सेकेंड हैंड स्कूटर को मैं तब तक यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ जब तक उस पर रिपेयर नहीं कर पाऊँ। तो दोस्तों, अगर मैंने कोई सेकेंड हैंड मशीनरी, सेकेंड हैंड व्हीकल खरीदा और उसको
पुट टू यूज लाने के पहले अगर कोई खर्चा किया गया तो दैट ऑल एक्सपेंडिचर शुड बी डेबिटेड इन द कॉस्ट ऑफ द असेट्स एंड दैट आर द कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज दिस इज द रेयरली एंड दिस इज द वन टाइम ऑकरेंस एक्सपेंडिचर. दिस इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द असेट्स एक्वायरिंग और बिफोर द असेट्स पुट टू यूज. इवन दो असेट्स अगर खरीदने के लिए कोई लोन लिया है उस लोन पर जो ब्याज दिया है तो पुट टू यूज के पहले का ब्याज भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, पुट टू यूज के बाद का ब्याज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा. दोस्तों इतनी सब बातों के साथ हम लोग समझ चुके हैं कि असेट्स को खरीदना उसको पुट टू यूज तक के खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर. इवन दो बाद में भी असेट्स को अगर कोई ऐसा खर्चा किया गया जिससे उसकी कैपेसिटी बढ़ गई हो, जिससे उसकी लाइफ बढ़ गई हो, जिससे कुछ ऐसा काम हो गया हो जिससे अपन उसकी कैपेसिटी को बढ़ा पाए हो, तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है. और उदाहरण दूं दोस्तों कि एक रेस्टोरेंट है उसमें 10 केबिन बनी हुई थी. अब उसके मालिक ने कुछ ऐसा उसका अल्टरेशन करा कि जिससे उसकी केबिन 10 से 15 हो गई, 13 हो गई, 14 हो गई. क्या वो जो अल्टरेशन के खर्चे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है? यस दोस्तों, क्योंकि उससे उसकी कैपेसिटी बढ़ गई. पहले 10 केबिन में लोग बाग बैठ पाते थे, अब 13, 14, 15 में बैठ पा रहे. इसका मतलब नंबर ऑफ ऑक्यूपेंसी बढ़ पा रही है. इट वुड इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी, इट वुड इंक्रीज द लाइफ ऑफ दैट थिंग, और उससे कमाने की क्षमता बढ़ रही है. दैट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर. दोस्तों मेरी क्लास में टेबल कुर्सी उनकी रूटीन रिपेयर करता हूँ, उन पर रूटीन रीपे लगाता हूँ, उन पर नट बोल्ड लगते रहते हैं, उन पर रूटीन मेंटेनेंस होते हैं, ये सारे खर्चे मेरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. पर अगर मैंने उसमें नए एंगल लगा दिए लोहे के, जिससे अगर कोई भी अब उसका टूटने का खतरा बंद हो गया, तो वो मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है. तो दोस्तों हमको ये देखना है कि कौन सा खर्चा कैपिटल है और कौन सा खर्चा रेवेन्यू है, और इस प्रकार हमको खर्चों का बंटवारा करते रहना चाहिए कि हम किस प्रकार अपने खर्चों का बंटवारा करेंगे. क्योंकि अगर हमने कैपिटल के खर्चों को रेवेन्यू में या रेवेन्यू के खर्चों को कैपिटल में लिख दिया तो इट वुड क्रिएट ए सीक्रेट रिजर्व, इट वुड अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी. एक बच्चे ने बोला सर क्या फर्क पड़ रहा है मैं रेवेन्यू खर्चे को कैपिटल में लिख दूं. दोस्तों तू ट्रेडिंग पीएनएल का खर्चा बैलेंस शीट में लिखेगा तो तेरा ट्रेडिंग पीएनएल का प्रॉफिट कैसे सही होगा, तेरी फाइनेंशियल पोजीशन कैसे सही होगी. तूने कोई फैन खरीदा कपड़े की दुकान पर, तूने पीएनएल में लिख दिया तो दैट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर, शुड बी डेबिटेड इन द कॉस्ट ऑफ द असेट्स. और तूने उसको पीएनएल में लिख के खर्चे को बढ़ा दिया, तूने अपने एनपी को कम कर दिया, तो कहां तेरा अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है. इट मीन्स सही आदमी को सही जगह लिखना इस चैप्टर का उद्देश्य है. इस चैप्टर का मेन ऑब्जेक्ट ही क्या है? जिसका जो स्थान है उसको उस जगह लिखना, जिसकी जो जगह है उसको उस जगह लिखना. आप अपने घर में ही जाइए, दोस्त पड़ोसी के घर में नहीं जाना है. अगर आपका घर ट्रेडिंग पीएनएल है तो आप बैलेंस शीट में कैसे जा सकते हो दोस्त? अगर आपका घर बैलेंस शीट में तो आप ट्रेडिंग पीएनएल में कैसे जा सकते हो? अगर आप ट्रेडिंग पीएनएल में जाना था और बैलेंस शीट के घर में चले गए, मतलब आपको अपने घर के बदले पड़ोसी के घर में चले गए, तो फिर वही बात पड़ोसी बोलेगा कल कुछ ज़्यादा हो गई, राइट? आप यहाँ नहीं रह सकते, अपने घर में जाओ, क्योंकि आप यहाँ रुक गए तो शायद कुछ अनर्थ हो जाएगा. तो दोस्तों बात घूम फिर के वही आती है, अपने को अपने घर में रहना. अब हमें पहचानना है कि हमारा घर कौन सा और उसका घर कौन सा है. दोस्तों तो ट्रेडिंग पीएनएल रेवेन्यू का घर है, बैलेंस शीट कैपिटल का घर है. तो कृपया घर को इंटरचेंज न करें दोस्तों, नहीं तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट होके सीक्रेट रिजर्व क्रिएट होगा. दोस्तों कई बार हमें कई कंफ्यूजन होते हैं कि अब हम खर्चों का बंटवारा कैसे करें. जैसे मैंने कैलकुलेटर खरीदा, अब आप बोलोगे कैपिटल है कि रेवेन्यू, तो दो ओपिनियन है. एक ने बोला यार ये तो लंबे समय चलेगा यार, राइट? तो बोले बोले साहब ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर. एक ने बोला किसने बोला लंबे समय चलेगा, तो एक साल में टूट फूट जाता है रेवेन्यू. एक ने बोला बोले नहीं यार 100 रुपये बड़ी अमाउंट है कैपिटल. एक ने बोला यार 100 रुपये तो वो छोटी अमाउंट है यार रेवेन्यू. इट मीन्स कन्फ्यूजन में आ गए. तो जब दोस्त कन्फ्यूजन हो जाए, जब हमारी राय नहीं बन पाए, जब हमारे मन में कोई दो बातें आ जाए, जब हमारे मन में कोई विकल्प आ जाए, तो फिर हम कैसे डिसीजन लेंगे? आपने किसी को देखा और सामने से दो जनों ने ग्रीन सिग्नल दे दिए, ओके ओके, अब लफड़ा आपके लिए ये हो गया कि दोनों में से किसको सिलेक्ट करें. कैसे आप तय करेंगे कि कौन सा आपके लिए किसके लिए क्या सूटेबल है? तो दोस्तों डिसीजन मेकिंग तो एवरी पॉइंट पे आता है, कन्फ्यूज़न तो हर मौके पे आता है. आपने सीए ज्वाइन करा तो आपके मन में कन्फ्यूज़न आया कि मैं ये करूं कि मैं ये करूं, राइट? तुम होती तो ऐसा होता, तुम ना होती तो वो होती, तो ऐसा होता. तो दोस्तों कौन कैसी होती, कौन कैसा होता, ये हमें चर्चा करना है. हम कैसे डिसीजन लेंगे, तमाम फैक्टर को देखने के बाद हमें वाइसफुल डिसीजन लेना है दोस्तों. तो आए अपने नोट्स की तरफ. पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर गेटिंग लॉन्ग टर्म बेनिफिट. दोस्तों मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हो रहा है वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट को बता रहा है. फॉर द बिजनेस सच एक्सपेंडिचर
increases the earning capacity. Earning capacity of the business. Following types of the capital expenditure. Acquisition of assets. Assets पे improvement करना जिससे उसकी capacity क्या हो? बढ़ जाए. जिससे उसकी capacity या earning capacity या earning capacity बढ़ जाए. Right? Here. Extension of assets. Assets में बढ़ोतरी करना. पहले मेरे पास तीन assets से अब चार हो गई. या मेरे पास ये चीज़ थी, अब मैंने उसका addition कर दिया. मैं उसी में कुछ ना कुछ add करता चल रहा हूँ. Extension. Putting the assets into the working condition, मतलब put to use तक लाने के लिए किए गए तमाम खर्चे. अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए किए गए खर्चे. प्लॉट खरीदा, उसकी रजिस्ट्री करवाई. प्लॉट खरीदा, उसके लिए लीगल नोटिस दिया, पब्लिक नोटिस दिया, वकील को फीस दी. एक्सपेंडिचर इन एक्वायरिंग एनी राइट टू कैरी ऑन द बिजनेस. आपने कोई लाइसेंस फीस ली, आपने बिजनेस को ऑपरेट, बिजनेस को चलाने के लिए कोई लाइसेंस फीस ली पहली बार. कैपिटल बाद में लाइसेंस फीस ली, रिन्यूअल कराया, रेवेन्यू है दोस्तों. तो दोस्तों आपको सोचना पड़ेगा व्हाट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर. असेट्स को खरीदना, असेट्स पे इंप्रूवमेंट करना, एक्सटेंशन करना, उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए कोई काम करना, पुट टू यूज के पहले के खर्चे करना, कोई अधिकार लेने के लिए कोई खर्चा करना, कैपिटल एक्सपेंडिचर है दोस्तों. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या दोस्तों? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वो एक्सपेंडिचर जो आपके रूटीन होते हैं, रनिंग बिजनेस को करने में होते हैं, डे टू डे आपके बिजनेस को चलाने में होते हैं, विच आर इनकर्ड फॉर रनिंग डे टू डे बिजनेस. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज डिडक्टेड फ्रॉम द रेवेन्यू इनकम. रेवेन्यू इनकम का मतलब सेल्स में से इन खर्चों को घटा के एनपी आता है. मतलब सीधी सी बात है, सेल्स माइनस रेवेन्यू खर्चे इक्वल टू आपका एनपी आएगा दोस्तों. तो आपकी रेवेन्यू इनकम में से रेवेन्यू खर्च घट के आपका एनपी आता है, रूटीन का काम करना. एक्सपेंडिचर ऑन रनिंग द बिजनेस दोस्तों, द इम्पॉर्टेंट वर्ड इज टू रनिंग द बिजनेस. एक्सपेंडिचर अनकट टू मेंटेन द फिक्स असेट्स एंड मेंटेन द बिजनेस. डेप्रिसिएशन इज रूटीन ऑपरेटिंग. परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड गुड्स, राइट, ये करना. और तमाम मैंने खर्चे दिए थे आपको. माल खरीदा, मेरी कपड़े की दुकान है, कपड़े की दुकान पे माल खरीदने पे भाड़ा लगा, रेवेन्यू. पर फिक्स असेट्स खरीदने में भाड़ा लगा, कैपिटल. तो दोस्तों दोनों में भाड़ा लगा, मेरी कपड़े की फैक्ट्री है, रॉ मटेरियल धागा खरीदा 1 लाख का, उस पर भाड़ा लगा 18,000 रुपये का. तो मैंने एंट्री करी परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख, फ्रेट अकाउंट डेबिट 18,000, टू कैश या टू बैंक. लेकिन अगर यही मैंने फिक्स असेट्स खरीदी 1 लाख रुपये की और उस पर भाड़ा लगा 18,000, तो मैं पूरी एंट्री करूँगा फिक्स असेट्स टू बैंक 1,18,000. इट मीन्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शुड बी डेबिटेड सेपरेटली बाई हिज ओन नेम. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अपने खुद के नाम से डेबिट होता है और ट्रेडिंग पी एंड एल में जाता है. जैसे भाड़ा लगा कपड़े पे तो भाड़े में ही डेबिट होगा, फ्रेट में ही डेबिट होगा. लेकिन अगर फ्रेट लगा ऑन द एक्विजिशन ऑफ असेट्स तो फ्रेट में डेबिट नहीं होगा, असेट्स में डेबिट होगा. इट मीन्स एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन असेट्स बिफोर द असेट्स पुट टू यूज, दैट एक्सपेंडिचर वुड बी डेबिटेड इन द नेम ऑफ असेट्स इन द कॉस्ट ऑफ द असेट्स. डू नॉट डेबिटेड सेपरेट नेम, डू नॉट डेबिटेड विद द सेपरेट नेम ऑफ एक्सपेंडिचर. बिकॉज अलग से अगर अपन ने खर्चे का नाम लिया तो फिर उसको कहाँ लिखें, ये समस्या है. तो ऑल द कैपिटल एक्सपेंडिचर शुड बी डेबिटेड इन द कॉस्ट ऑफ द असेट्स एंड ऑल द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शुड बी डेबिटेड विथ हिज ओन नेम. कपड़ा खरीदा 1 लाख रुपये का, उससे भाड़ा लगा 18,000 रुपये का, ध्यानपूर्वक एंट्री सुने, परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख, फ्रेट अकाउंट डेबिट 18,000, टू बैंक 1,18,000, फिक्स असेट्स खरीदी 1 लाख की, उस पर भाड़ा लगा तो डायरेक्ट एंट्री होगी फिक्स असेट्स टू बैंक 1,18,000. इट मीन्स कैपिटल एक्सपेंडिचर असेट्स के नाम से डेबिट होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अपने खुद के नाम से डेबिट होता है. दोस्तों मैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे आऊँगा थोड़ी देर बाद, पर मैं अभी यहाँ पे ये बातचीत करता हूँ. चले हम एक बार इसको पढ़ लेते, फिर हम एक डिसीजन मेकिंग पे जाएंगे. डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये कैपिटल और रेवेन्यू दोनों के बीच की स्थिति, दोनों के बीच का है. रेवेन्यू 1 साल बेनिफिट, कैपिटल बहुत लंबे समय तक बेनिफिट, इन दोनों के बीच में आ गया डेफर्ड रेवेन्यू. डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वो एक्सपेंडिचर जो 1 साल से ज़्यादा के लिए होते हैं. बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलता है अपने को, बट उससे असेट्स क्रिएट नहीं होती. जैसे कंपनी के रजिस्ट्रेशन के खर्चे, कंपनी जब बनती है उस समय उसके मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, ये तमाम खर्चे उस समय जो किए जाते हैं वो आपके डेफर्ड रेवेन्यू होते. कंपनी जब लॉन्च होती है उस समय हैवी एडवर्टीजमेंट, वो आपका डेफर्ड रेवेन्यू होता है. डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वो एक्सपेंडिचर जो 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट देते हैं बट उससे असेट्स क्रिएट नहीं होती. विच गिव्स द बेनिफिट मोर देन 1 ईयर बट द असेट्स इज नॉट क्रिएटेड फॉर दैट एक्सपेंडिचर.
उस एक्सपेंडिचर को डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, जिसका बेनिफिट मुझे 3-4 साल 5 सालों के लिए मिलता है। समटाइम्स एन एक्सपेंडिचर इज ऑफ ए रेवेन्यू नेचर बट द बेनिफिट ऑफ द एक्सपेंडिचर इज अवेलेबल फॉर 3 to 4 years। इन सच ए केस द टोटल एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी डेबिटेड टू द P&L अकाउंट ओनली इन 1 year एंड इट शुड बी चार्ज ओवर द पीरियड ऑफ द बेनिफिट ऑफ द अवेलेबल। ऐसा कहावत कही जाती है कि इस दशा में आपको उस खर्चे को उसी साल के P&L में नहीं लिखना, बल्कि उसको उतने सालों में P&L में स्प्लिट कर दो जितने सालों में बेनिफिट मिल रहा है। दोस्तों ये आपके CA फाउंडेशन में बोला है। CA इंटर में जब आप बात करोगे, तो आज की तारीख में कंपनीज एक 2013 शेड्यूल 3 Part 1 बैलेंस शीट के फॉर्मेट में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को स्थान ही नहीं है। तो जब आप इसको 3-4 सालों में राइट ऑफ करोगे, तो अभी 4 सालों में राइट ऑफ करोगे तो 1/4 अभी कर दे, 3/4 कहाँ लिखोगे असेट्स में। बट कंपनीज एक 2013 ने इसे स्थान ही नहीं दिया है। कंपनीज एक 2013 CA इंटरमीडिएट में जब आपको आगे जाके बोलेगा, तो बोलेगा कि nowadays deferred revenue expenditure should be debited in the P&L account, it should be write off in the year in which it is incurred। पर दोस्तों वो इंटर की बात है, अभी हमें यहाँ डेफिनेशन लिखना है। ऐसा खर्चा जो हमने खर्चा एक बार कर दिया, जिसका बेनिफिट हमें एक साल से ज़्यादा के लिए मिलेगा, सपोज 3-4 सालों के लिए, पर उससे हमारी कोई असेट्स क्रिएट नहीं हो रही है, हम उस खर्चे को इनकट करेंगे और उसे उतने सालों में P&L में राइट ऑफ करेंगे जितने सालों में उसका बेनिफिट मिल रहा है। एग्जाम्पल करें कि सपोज करो मैंने एक खर्चा करा वॉल पेंटिंग का, एडवर्टीजमेंट का, जिससे मुझे 4 सालों तक बेनिफिट मिल रहा है और मैंने उस पर खर्चा किया 10,000 रुपये का। अकाउंट्स कहता है कि आप उसे 4 सालों में 10,000 / 4 2,500 को राइट ऑफ करो, जिससे एक्रुअल कंसेप्ट आपकी फॉलो हो, जिससे आपका एक्चुअल हर साल का प्रॉफिटेबिलिटी मिले। चूंकि इस खर्चे का बेनिफिट आपको 4 साल के लिए मिल रहा है, दैट्स व्हाई यू हैव टू डिवाइड दिस एक्सपेंडिचर इन द 4 ईयर। सपोज ए हैवी एडवर्टीजमेंट कैंपेनिंग इज कैरिड आउट, जब हमारा कोई प्रोडक्ट नया मार्केट में आता है, iPhone 11 आया, तो पूरा iPhone वाला सिर्फ 11 की बात करता है। उस पर उसने 1 लाख का खर्चा किया, उसे लगता है कि मुझे इसका बेनिफिट 2 साल तक मिलेगा, इस एडवर्टीजमेंट की मैं 2 साल तक खाऊंगा जब तक नया मॉडल नहीं आता है, और 2 साल बाद नया मॉडल लेकर आऊँगा, तो वो इस 1 लाख रुपये को डिवाइड बाय 2 करके 50,000 में राइट ऑफ करना चाहेगा, बिकॉज इस एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट उसे 2 सालों तक मिल रहा है। दोस्त अगले 2 सालों तक वो इसका बेनिफिट का उपयोग उठा पाएगा। तो दोस्तों अगर मैं आपके साथ में शेयरिंग करूं, तो मैं आपके साथ में इस थ्योरेटिकल लेक्चर में ये बात करना चाह रहा हूं मेरे दोस्तों, कि आपको ये देखना है कि कौन सा ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट 1 साल से कम या 1 साल तक मिलता है रेवेन्यू, कौन सा ऐसा खर्चा जिससे असेट्स क्रिएट होती है कैपिटल, कौन सा ऐसा खर्चा है जो न कैपिटल है न रेवेन्यू है, मतलब ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा बट उससे असेट्स क्रिएट नहीं हो रही है, वो डेफर्ड रेवेन्यू, सपोज हैवी एडवर्टीजमेंट for which benefit would be received for more than 1 year, 2, 3, 4 year, that benefit would be more than 2, 3, 4 years, तो expenditure को भी 2, 3, 4 सालों में divide कर देना चाहिए। The benefit of the campaigning will be available for the next 3 to 4 year, in such a case the advertisement expenditure should be charged to the P&L account of these 3 to 4 years, sometime extraordinary heavy losses are also treated as the deferred revenue and charged to the P&L account of 3 and 4 year. कई बार हमारे एक्स्ट्रॉर्डनरी हैवी लॉसेस हो जाते हैं, जिसको भी हमको 3-4 सालों में राइट ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम उसे हाथों हाथ राइट ऑफ कर देंगे तो इस साल की हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट हो जाएगी। तो ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट हमको लंबे समय के लिए मिलता है, तो खर्चा रेवेन्यू ही है बट हैविंग द बेनिफिट ऑफ लॉन्ग टर्म एडवांटेज। हैवी लॉसेस, दीज आर द डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट शुड बी स्प्लिट, और उसको स्प्लिट करके उतने सालों में राइट ऑफ कर देंगे जितने सालों में इसका बेनिफिट अपने को मिल रहा है। तो दोस्तों अगर मैं स्लो मोशन में तीनों खर्चों को समझाऊं, रेवेन्यू खर्चा, बेनिफिट 1 साल या उससे कम, रूटीन होते हैं, लगातार होते हैं, ऑपरेट करने में होते हैं, मैनेज करने में होते हैं, गुड्स को खरीदना, उस पर भाड़ा, सैलरी, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीग्राम, बैंक चार्जेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, that should be debited in the trading oblique P&L account. Capital, it would create assets or expenditure incurred for acquisition of assets or expenditure incurred before the assets put to use or expenditure incurred for extension of the assets or expenditure incurred for increasing the capacity of the business, increasing the earning capacity of the business, expenditure incurred to take the right, to use the right, इनका राइट खरीदने के लिए, टू परचेज द राइट, या एक्विजिशन ऑफ राइट करने के लिए अगर कोई खर्चा किया, तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है।
डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वो एक्सपेंडिचर जो ना रेवेन्यू है ना कैपिटल है, बल्कि रेवेन्यू है पर जिसका बेनिफिट मुझे एक साल से ज़्यादा के लिए मिलता है। तो इसके डेफिनेशन है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैविंग द एडवांटेज ऑफ दीज एक्सपेंडिचर फॉर मोर देन वन ईयर से 3 to 4 ईयर। सो डेफर्ड रेवेन्यू में रेवेन्यू छुपा हुआ है, डेफर्ड रेवेन्यू में रेवेन्यू छुपा है मतलब वो रेवेन्यू ही खर्चा है पर उसका बेनिफिट 3-4 सालों के लिए मिल रहा है। जैसे एक नया प्रोडक्ट मैंने मार्केट में लॉन्च किया, नई ब्रांच मैंने मार्केट में लॉन्च की, नई विंग्स मैंने मार्केट में लॉन्च की और उसके लिए मैंने हैवी एडवर्टीजमेंट करा और मैंने बोला आईफोन 11 प्रो आ रहा है एंड आई एम इनकरिंग हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर टू प्रमोट दिस मॉडल से ₹1 lakh एंड द बेनिफिट ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट वुड बी अवेलेबल फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स बिकॉज इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स देयर वुड बी नो न्यू मॉडल वुड बी लॉन्च। सो दिस 1 lakh rupees शुड बी डिवाइडेड इन 2 ईयर बिकॉज द बेनिफिट ऑफ दैट एक्सपेंडिचर वुड बी मोर देन 1 ईयर बट नॉट परमानेंट, इट वुड नॉट क्रिएट द असेट्स एंड दिस इज नॉट रिलेटेड टू ओनली फॉर करंट ईयर। बेनिफिट ऑफ दैट एक्सपेंडिचर वुड बी मोर देन 1 ईयर सो इट शुड बी स्प्लिट अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ द बेनिफिट। ओके दोस्तों, तो ये 3 तरह के खर्चे हुए। अब बात आती है दोस्त वही हमारे लिए कि अगर हमें कन्फ्यूजन हो जाए, दोस्तों हमें अगर कन्फ्यूजन हो जाए कि हम कैसे उन खर्चों को करेंगे, हम कैसे बांटेंगे, तो हमें कौन है जो हमें डिसीजन लेने में मदद करेगा दोस्तों? ये 5 फैक्टर, ये थियोरेटिकल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट आर द फैक्टर, ये थ्योरी बहुत इम्पॉर्टेंट है मॉडल में। कंसिडरेशन इन डिटरमाइनिंग द कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो क्या फैक्टर हैं जिनको हमको ध्यान देना है, वो क्या बातें हैं जिनको हमको ध्यान देना है दोस्तों। फैक्टर्स जो हमारे डिसीजन को फर्क डालते हैं, कैसे हम एक डिसीजन ले पाएंगे, कैसे हम सोच पाएंगे दोस्तों। दोस्तों पहला हमको देखना है नेचर ऑफ द बिजनेस, हमको सबसे पहले समझना है कि बिजनेस का स्वभाव क्या है। मैंने कार खरीदी, कौन सा खर्चा है दोस्त? कैपिटल, मेरा कार का शोरूम ही है सर, वो तो फिर रेवेन्यू। सर आपको पहले बोलना था ना काय का काम है आपका, आपने पूछना था ना काय का काम है, आपने पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं, तो आपने एकदम आंसर कैसे दे दिया? बुद्धिमान व्यक्ति वो होता जो पूरी चीज़ सुन के समझ के फिर उत्तर दे, क्योंकि बिना सोचे समझे डायरेक्ट उत्तर देना हानिकारक है। नेचर ऑफ द बिजनेस, आप जब भी किसी खर्चों का बंटवारा करो सबसे पहले आपको देखना है कि उस बिजनेस का नेचर क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट बिजनेस दोस्तों, उस बिजनेस का स्वभाव क्या है। नेचर ऑफ द बिजनेस, अगर मेरी फर्नीचर की दुकान और मैंने फर्नीचर खरीदा रेवेन्यू, मेरी कार की दुकान है कार का शोरूम में कार खरीदी रेवेन्यू, पर अगर मेरी कपड़े की दुकान है मेरी, अगर सपोज करो किराने की दुकान है और मैंने पंखा खरीदा कार खरीदी ऑफिस यूज के लिए, तो कैपिटल। तो अगर आप उस चीज़ में डील कर रहे हो, आपका काम धंधा ही वही है और वही खरीद रहे हो, तो आपके लिए गुड्स हो गया, व्हेन यू परचेज द गुड्स रेवेन्यू। अगर आपने अपनी कार के शोरूम पे कार खरीदी, अगर आपने टीवी की दुकान पे टीवी खरीदा, अगर आपने फर्नीचर की दुकान पे फर्नीचर खरीदा, तो दैट इज योर गुड्स एंड गुड्स वुड बी नोन एज ए रेवेन्यू। तो दोस्त आइडेंटिफाई वेदर द बिजनेस काय का है दोस्तों, पक्की बात यहाँ पे आपको बिजनेस काय का ये सोचने की जरूरत है दोस्तों। सेकेंड, रेवेन्यू रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर, क्या वो खर्चा आपका बार बार होता है, क्या वो खर्चा आपका रेगुलर होता है, क्यों खर्चा आपका कभी कभी होता है। इन द फ्रीक्वेंसी, द इम्पॉर्टेंट वर्ड इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एक्सपेंडिचर इज क्वाइट ऑफन इन एन अकाउंटिंग ईयर देन इट शुड बी एक्सपेंडिचर ऑफ द रेवेन्यू। क्वाइट ऑफन मतलब होता रहता है दोस्तों, अगर वो खर्चा आपके बिजनेस में रूटीन होता है, लगातार होता है, बार बार होता है, उसकी आवृत्ति, उसकी होने की परंपरा बार बार होती है, रेकरिंग है, रेकरिंग नेचर रेवेन्यू। अगर वो नॉन रिकरिंग है दोस्तों, मेरे नॉन रिकरिंग है तो फिर वो आपका आगे चले जाएगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ सकता है। तो वही बात है, अगर खर्चा बार बार होता, लगातार होता रहता है, रिकरिंग नेचर का है तो रेवेन्यू, और अगर खर्चा नॉन रिकरिंग नेचर का है, असेट्स क्रिएशन नेचर का है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा दोस्तों, या डेफर्ड रेवेन्यू हो जाएगा। पर्पस क्या है उस खर्चे का, उस खर्चे का उद्देश्य क्या है, सेकेंड है रेकरिंग नेचर। थर्ड नंबर पे अगर मैं बातचीत करूँ उस खर्चे का पर्पस क्या है, अगर उस खर्चे का पर्पस शॉर्ट टर्म है तो रेवेन्यू, लॉन्ग टर्म है तो कैपिटल।
अगर वो खर्चा मेरे यहाँ नॉर्मल मेंटेनेंस के तौर पे होता है तो मेरे लिए रेवेन्यू है, अगर वो खर्चा मेरे यहाँ पे अगर मेजर रिपेयर के रूप में होता है तो फिर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि उससे मेरी असेट्स की कैपेसिटी बढ़ रही है। तो अगर जो मैं खर्चा कर रहा हूँ वो रूटीन कर रहा हूँ, रेगुलर कर रहा हूँ, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए कर रहा हूँ, बिजनेस को मैनेज करने के लिए कर रहा हूँ दोस्तों, तो मान के चलना कि वो खर्चा मेरे लिए रेवेन्यू खर्चा है। अगर वो खर्चा मैं इस पर्पस के लिए कर रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए कर रहा हूँ, उससे मेरी कैपेसिटी बढ़ रही है, उससे मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है, उससे मैं इनहेंस कैपेसिटी पे काम करूँगा दोस्तों, तो मेरे लिए कैपिटल खर्चे की बात ही होगा। इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी, दोस्तों अगर वो मेरी कैपेसिटी को बढ़ाता है, अगर मेरी कैपेसिटी को इंक्रीज करता है तो कैपिटल, और अगर वो मेरी कैपेसिटी को मेंटेन करता है तो रेवेन्यू। उसने क्लियर बोल दिया कि अगर वो आपकी इनकम की कैपेसिटी को बढ़ा रहा है तो वो आपके लिए कैपिटल, और अगर वो इनकम की कैपेसिटी को मेंटेन कर रहा है रेवेन्यू खर्चा है। दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप इन्हें थोड़ा सा रिव्यू करें, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। और लास्ट पॉइंट है एक मटेरियलिटी ऑफ द पॉइंट इन्वॉल्व। दोस्तों अगर वो खर्चा जो आप कर रहे हो छोटा है, कैलकुलेटर खरीद लिया, राइट, स्टेपलर खरीद लिया, पंचिंग मशीन खरीद ली, ऑल दो ये लॉन्ग टर्म यूज है, ऑल दो लंबे समय के लिए यूज है, ऑल दो इनकम बढ़ाने के लिए करता, ऑल दो फैसिलिटी है, बट दोस्तों इनकी अमाउंट बहुत छोटी है। अगर इससे आप असेट्स में लिखने लग गए तो असेट्स में तो बाढ़ आ जाएगी। तो आपको ये भी डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपकी मटेरियलिटी अमाउंट की कितनी है। मटेरियलिटी मतलब स्मॉल अमाउंट है रेवेन्यू, बिग अमाउंट है कैपिटल, बड़ा अमाउंट है मटेरियल अमाउंट है अस्तित्व रखता कैपिटल, छोटा अमाउंट है रेवेन्यू। इट मींस दोस्तों कितने तरह की बातचीत हुई यहाँ पे, राइट, पांच तरह की बात है। कौन कौन से पांच तरह की? पहला, नेचर ऑफ द बिजनेस, स्वभाव क्या, कार का शोरूम रेवेन्यू, किराने की दुकान, कपड़े की दुकान, कार खरीदी, कैपिटल। रेकरिंग नेचर ऑफ द एक्सपेंडिचर, बार बार होता है, लगातार होता है रेवेन्यू, कभी कभी होता है, रेयरली होता है कैपिटल। पर्पस, लंबे समय का उद्देश्य, कमाने की कैपेसिटी बढ़ाने का उद्देश्य, लॉन्ग टर्म का पर्पस है, राइट, कैपिटल। शॉर्ट टर्म का पर्पस है, रूटीन होता है, लगातार होता है, मेंटेन होता है रेवेन्यू। इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी, कोई भी खर्चा कर रहे हो जिससे आपकी कैपेसिटी बढ़ के इनकम बढ़ रही हो, कैपिटल, कैपेसिटी मेंटेन हो रही हो रेवेन्यू। मटेरियलिटी, उसमें अमाउंट अगर बढ़ा है, बड़ा है तो कैपिटल, छोटा है, कैलकुलेटर, स्टेपलर, पंचिंग मशीन, रेवेन्यू। एक मिनट का ब्रेक, आप इन पांचों पॉइंटों को रिव्यू करें दोस्तों और चेक करें कि पांचों पॉइंट आपके कैसे हैं। पांचों पॉइंट को आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। चेक कर लें दोस्तों इन पांचों पॉइंटों को। मैं थोड़ा सा आपको इसलिए ब्रेक दे रहा हूं ताकि आप लोग इन खर्चों को समझ लें, फिर हम लोग अगले पॉइंटों की तरफ आपके साथ आएंगे और हम लोग देखेंगे कि दोस्तों किस तरीके से और बात करनी है। अभी तक की हमने जो थ्योरी पढ़ी है दोस्तों, वो ये थ्योरी पढ़ी है दोस्तों कि व्हाट डू मीन बाय कैपिटल एक्सपेंडिचर, व्हाट डू मीन बाय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, व्हाट डू मीन बाय डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और फिर हमें अगर यहाँ पे, राइट, अगर ये हमारे लिए रहता है यहाँ पे दोस्तों, तो फिर हम लोग बातचीत करते हैं कि जहाँ कन्फ्यूज़न होगा तो ये पांच फैक्टर। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी पूछा गया है सीए फाउंडेशन में कि व्हाट आर द कंसिडरेशन और ऑब्लिक फैक्टर टू डिटरमाइनिंग, व्हाट आर द कंसिडरिंग और फैक्टर, राइट, इन डिटरमाइनिंग द कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दोस्तों इतनी बातों के साथ अब हमने अभी तक तो जो चैप्टर था उसका पहला पार्ट पढ़ा है कि खर्चों को बांटना यहाँ तक का पॉइंट। मैं अगर बंटवारा करूँ इसको तो यहाँ तक का पॉइंट पढ़ लिया एक्सपेंडिचर का। अब हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों रिसिप्ट वाली बात। वही रिसिप्ट भी दो तरह की होती है, रेगुलर और कभी कभी। एक बात बताओ दोस्त, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपकी फ़ीस आ रही है, ये रूटीन फीस है मेरे लिए, मेरा रूटीन काम है पढ़ाना, ऑफिस में जाना, मेरी प्रैक्टिस करना, मेरे को कंसल्टेंसी करना, ये सब काम मेरा रूटीन है। क्लाइंट से फीस आई, ऑडिट फीस आई, जीएसटी कंसल्टेंसी की फीस आई, टैक्सेशन कंसल्टेंसी की फीस आई, इनकम टैक्स रिटर्न भरे उनकी फीस आई, आप लोगों स्टूडेंटों की फीस आई, राइट, वीडियो लेक्चर सेलिंग की फीस आई, ये सब मेरी रेवेन्यू रिसिप्ट है। मैंने दुकान पर माल बेचा, रेवेन्यू रिसिप्ट है। मैंने असेट्स को बेच दिया, मैंने लोन लिया, कैपिटल रिसिप्ट है।
तो जो रिसिप्ट मेरी रूटीन होती है, लगातार होती है, बार बार होती है, होती रहती है, नेचर ऑफ द बिजनेस है, काम ही मेरा वही है, सेल करना, डेटा से पैसा आना, आपकी फीस आना, वीडियो लेक्चर सेल करना, इनकम टैक्स क्लाइंट से मेरी फीस लेना, ऑडिट फीस आना, डॉक्टर को फीस मिलना, रेवेन्यू रिसिप्ट है। पर लोन लेना, असेट्स को बेचना, कैपिटल रिसिप्ट है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब वो रिसिप्ट जो रोज होती है, लगातार होती है, नेचर ऑफ द बिजनेस है, काम ही हम वैसा कर रहे हैं, डेटर से पैसा आना, बीआर से पैसा आना, रेवेन्यू रिसिप्ट है। पर मेरे दोस्तों, अगर मैंने असेट्स की बात करी, बेच दी, मैंने लोन लिया, से पैसा आया, तो मेरे लिए कौन सी रिसिप्ट है? कैपिटल रिसिप्ट है, पक्की बात है। तो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे बातचीत करूँ अगर आपके साथ में, तो ये जो रिसिप्ट मेरे लिए है, यहाँ पे रिसिप्ट फ्रॉम डे टू डे रनिंग द बिजनेस, रिसिप्ट फ्रॉम डे टू डे रनिंग द बिजनेस आर नोन एज अ रेवेन्यू रिसिप्ट, आर नोन एज अ रेवेन्यू रिसिप्ट। फॉर एग्जाम्पल सेल प्रोसीड्स ऑफ द गुड्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड एंड डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ द प्रोडक्ट, पक्की बात दोस्तों। इसका मतलब ये बोल दूं अगर मैं आपके साथ में कि रिसिप्ट फ्रॉम द डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस आर द रेवेन्यू रिसिप्ट, मतलब माल को बेचना, सेल ऑफ द प्रोडक्ट अपन बातचीत करें, इंटरेस्ट रिसीव्ड की बातचीत करें, कमीशन रिसीव्ड की बात करें, डिविडेंड रिसीव्ड की बात करें, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स की बात करें, दोस्तों ये सब रेवेन्यू है। रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू इनकम क्या है? एक्सपेंसेस ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट ओवर द एक्सपेंडिचर, मतलब मैंने माल बेचा उसमें से खर्चे घटा दिए, तो ये खर्चे घटाए, ये मेरी इनकम आई, इनकम में से खर्चे घटा दिए, ये मेरी रिसिप्ट है और ये मेरे खर्चे हैं और ये मेरे लिए इनकम हो गई, राइट? ये रही नेट प्रॉफिट, मेरे लिए रेवेन्यू इनकम हो गई, पक्की बात है दोस्तों। कैपिटल रिसिप्ट, मालिक ने पैसा लगाया, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द प्रोपराइटर और द लोन रिसिप्ट इज ट्रीटेड एज द कैपिटल रिसिप्ट। सिमिलरली फिक्स असेट्स को बेचना, सेल प्रोसीड्स ऑफ द सेल ऑफ द फिक्स असेट्स आर द कैपिटल रिसिप्ट। दोस्तों, असेट्स को बेचना कैपिटल रिसिप्ट, लोन लेना कैपिटल रिसिप्ट, मालिक ने पैसा लगाया कैपिटल रिसिप्ट, रेयरली पैसा आता है, कभी कभी होता है, रूटीन नहीं होता है, एडिशनल कैपिटल लगाना कैपिटल रिसिप्ट, लोन लेना, मालिक द्वारा पैसा लगाना, असेट्स को बेचना कैपिटल रिसिप्ट। पर रूटीन माल बेचना, डेटा से पैसा आना, फीस लेना, क्लाइंट से फीस लेना, कमीशन लेना, डिविडेंड लेना, रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हमें क्या क्या, पहले तो बातचीत करनी पड़ेगी, ये मैंने आपके सामने बनाया, राइट, जिसमें मैंने आपके सामने लिखा कि रेवेन्यू मतलब क्या, जिसका बेनिफिट हमको क्या मिलेगा, शॉर्ट पीरियड के लिए मिलेगा, मैं अगर इसी बात को लूँ तो 1 ईयर और लेस। एक और खर्चा दोस्तों अगर आप लोग बोलते हैं तो मैं उसको भी यहाँ पे लिखना चाहूँगा, डेफर्ड रेवेन्यू को भी, और दोस्तों अगर मैं यहाँ पे आपके सामने उस खर्चे की भी बात करना चाहूँ तो मैं डेफर्ड रेवेन्यू की भी बात करूँगा दोस्तों, यहाँ पे डेफर्ड रेवेन्यू के लिए, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पक्की बात। ये खर्चा ऐसा होता है जिससे जो रेवेन्यू तो होता है बट बेनिफिट मोर देन 1 ईयर से 3 to 4 ईयर, ऐसी दशा में हम इन खर्चों को क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे, स्प्लिट करके इन्हें अपन P&L में लिखें। इसके एग्जाम्पल जो होते हैं वो होते हैं हैवी एडवर्टीजमेंट, हैवी लॉसेस, हैवी एडवर्टीजमेंट टू एक्सप्लोर द प्रोडक्ट इन द मार्केट। दोस्तों, इस प्रकार ये तीनों खर्चों की बात हुई कि खर्चा रेवेन्यू कौन सा, रेवेन्यू मतलब रूटीन लगातार मेंटेन करने वाला, कैपिटल असेट्स को खरीदने में हुआ, एक्सपांड करने में हुआ, असेट्स की कैपेसिटी को बढ़ाने में हुआ,
इसे अपन अगर बोलना चाहेंगे तो ये वो खर्चा आपके लिए रहता है दोस्तों। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब कौन सा एक्सपेंडिचर दोस्तों, ये वो खर्चा होता है जिससे हमें बेनिफिट एक साल से ज़्यादा के लिए मिलता है, पर दो तीन चार साल के लिए मिलता है, और उसको हम खर्चे को उतने सालों में स्प्लिट करके डिवाइड करके लिख देंगे। ये रेवेन्यू ही होता है पर इसका बेनिफिट मोर देन वन ईयर होता है, इससे असेट्स क्रिएट नहीं होती, राइट। यहाँ पे असेट्स क्रिएट होती है लॉन्ग टर्म के लिए होती है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जितना पार्ट आपने राइट ऑफ कर दिया पीएनएल में, वो पीएनएल, और बाकी का पार्ट बैलेंस शीट में जाता है, उसे अदर नॉन करंट असेट्स के रूप में लिख सकते हो। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैन बी रिटर्न इन द बैलेंस शीट एज ए अदर नॉन करंट असेट्स, बट दोस्तों आज की तारीख में कंपनीज एक्ट ए इसने बोल दिया कि इसको रेवेन्यू मान के राइट ऑफ कर दो, लेकिन वो बातें इंटर में आएगी, अभी तो हम यही लिखना से पसंद करेंगे। फिर आती है दोस्तों फैक्टर्स किन किन पे हमको ध्यान देना है डिसीजन लेते समय, ये रहे। फिर दोस्तों हमारे पास आता है रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब रूटीन रिसिप्ट, रेगुलर रिसिप्ट, और कैपिटल रिसिप्ट मतलब लोन लेना कैपिटल लगाना, ये रही थ्योरी। ये मैंने कैपिटल और रेवेन्यू में बंटवारा भी दिया है दोस्तों, प्योरली थियोरेटिकल चैप्टर है, पर इसमें थ्योरी डायरेक्ट भी आ सकती है, और कुछ छोटे छोटे ट्रू फॉल्स, गिव रीज़न, आइडेंटिफाई द एक्सपेंडिचर, ऐसे करके आ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों मैं क्वेश्चन नंबर वन अभी आपके सामने लेता हूं। वन के बारे में आपको डिसीजन देना है दोस्तों कि ट्रू है कि फॉल्स है, एक एक पे, और उसके रीज़न भी देना है। केवल ट्रू फॉल्स बोलने से काम नहीं चलेगा दोस्तों, इसके आपको रीज़न भी देना पड़ेंगे। चलें दोस्तों, स्टेट विथ रीज़न वेदर द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर आर ट्रू और फॉल्स। ओवरऑलिंग एक्सपेंडिचर ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दोस्तों ओवरऑलिंग एक्सपेंडिचर जो आपके असेट्स को सेकेंड हैंड मशीनरी को लेकर आए दोस्तों, अगर ये कोई रूटीन असेट्स होती है और उस पर ओवरऑलिंग एक्सपेंडिचर होते हैं तो ये रेवेन्यू होता, पर चूंकि सेकेंड हैंड मशीनरी को ला रहे हैं और उस पर ओवरऑलिंग एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, मतलब ये एक्सपेंडिचर असेट्स को पुट टू यूज़ के पहले का खर्चा है दोस्तों, और दोस्तों पुट टू यूज़ के पहले का किया गया खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है दोस्तों, ये रेवेन्यू नहीं है दोस्त, ये फॉल्स है, अर्थात ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। नीचे लिखा है रीज़न, ओवरऑलिंग एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर पुट टू सेकेंड हैंड मशीनरी इज वर्किंग कंडीशन टू डिराइव इंड्यूरेबल लॉन्ग टर्म एडवांटेज, सो इट शुड बी कैपिटलाइज। सेकेंड हैंड मशीनरी को लाने तथा पुट टू यूज़ तक के उसे काम करने लायक बनाने के लिए खर्चे हमें लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देंगे, इसलिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है दोस्तों। अगला, मनी स्पेंड टू रिड्यूस द वर्किंग एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दोस्तों आपके यहाँ बिजली का बिल ऑफिस में बहुत आ रहा था, आपने उस पर एक पावर सेवर इक्विपमेंट लगाया जिससे रूटीन बिजली का बिल कम हुआ, आप रूटीन कोई काम कर रहे थे, मैन्युअली कोई काम कर रहे थे, अब आपने उसके बदले कुछ ऐसा ऑटोमेटिकली काम करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट लेकर आ गए जिससे काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मुझे याद है अच्छी तरह से, मेरे क्लाइंट है तारपोलिन बनाते हैं, त्रिपाल जो ट्रकों के ऊपर लगती है, आप लोगों ने देखा होगा त्रिपाल पे साइड में एक छेद किया जाता है जिससे रस्सा उसमें डाल के ट्रकों में आपस में बांध दिया जाए, नहीं तो बंधेगा कहाँ से। उस त्रिपाल के कोने में चारों तरफ से छेद किया जाता है, उस पर एक आईलेट लगाया जाता है जिसको अपन जिब्बी बोल सकते हैं, ताकि वो तारपोलिन फटे नहीं, उसमें जब रस्सी जाए तो खिंचाता है तो फटे नहीं, तो उसकी ग्रिपिंग रहती है गोल, जैसे थम्सअप की बोतल अपन लेते हैं तो उसमें जो ग्रिपिंग रहती है, राइट, वैसी उसमें ग्रिपिंग लगाई जाती है जिसे आईलेट कहते हैं। मैंने उस क्लाइंट को देखा था दोस्त, पहले हजारों लेबर लगा के रखते थे और हजारों मीटर टन का प्रोडक्शन जब होता था तो वो लेबर बिल्कुल छीनिया थोड़ी से लेके उसको त्रिपाल को कोने में टक टक करते थे, फिर उसमें आईलेट दोनों को लेके उसको प्रेस करते थे तो बैठ जाता था। बाद में उसी काम को मशीन के द्वारा होने लगा और खट से त्रिपाल निकलती जाती थी और वहाँ पर आईलेट लगते जाते थे, जैसे थम्सअप की बॉटलें, कि अगर वो मान लो कि पहले बॉटल पे कि जिब्बी हाथ से लगा लगा के अपन यूँ कर रहे हैं और उसके बाद मशीन पाई कि बॉटल निकलती जा रही ऊपर से, मशीन धड़ 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 उसको लगाती चल रही। अब दोस्तों रूटीन लेबर के खर्चे को कम करने के लिए ये खर्चा किया गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपेसिटी बढ़ रही है, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है, एफिशिएंसी बढ़ रही है, बिजली का बिल कम करने के लिए पावर सेवर इक्विपमेंट लगाया, रूटीन पेट्रोल का
खर्चा कम करने के लिए, एवरेज बढ़ाने के लिए एक इक्विपमेंट लगाया गया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जबकि ये बोल रहा है रेवेन्यू है। मनी स्पेंड टू रिड्यूस द वर्किंग एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू, फॉल्स है दोस्तों, ये कैपिटल खर्चा है। लीगल एक्सपेंडिचर टू एक्वायर द प्रॉपर्टी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, यस ट्रू। अगर हम कोई प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए कानूनन खर्चे कर रहे हैं, लीगल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो दोस्तों वो खर्चा आपका कैपिटल खर्चा है, बिकॉज द एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बिफोर द असेट्स पुट टू यूज इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोस्तों मजा आएगा, इस चौथे पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान देना दोस्तों, मजा आएगा। अमाउंट स्पेंड एज ए लॉयर फी टू डिफेंड ए सूट क्लेमिंग दैट द फर्म फैक्ट्री साइट बिलोंगिंग टू द प्लांटिव लैंड इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर, फॉल्स बोला गया दोस्तों। मैं बताता हूँ इसे क्या। लीगल एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू डिफेंड द सूट क्लेमिंग दैट द फर्म फैक्ट्री साइट बिलोंगिंग टू द प्लांटिव लैंड मेंटेनेंस इज अ प्लांटिव इज मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर ऑफ द असेट्स। बाय दिस एक्सपेंडिचर नीदर द इंड्यूरेबल बेनिफिट कैन बी ऑब्टेंड इन फ्यूचर इन एडिशन टू द व्हाट इज प्रेजेंटली अवेलेबल नॉर द कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस असेट्स वुड बी इंक्रीज। मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर इज रिलेशन टू द रेवेन्यू। दोस्तों क्या होता है, इसने बोला है कि अमाउंट स्पेंड इज द लॉयर फी टू डिफेंड द सूट क्लेमिंग दैट द फर्म फैक्ट्री साइट बिलोंगिंग टू द प्लांटिव लैंड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो ये बोल रहा है कि हमने अपनी फैक्ट्री एक लगा रखी थी और उस फैक्ट्री में हमको थोड़ी बहुत जगह प्लांटिव पेड़ पौधों के लिए हमको करना था, और उसके लिए कोई वाद विवाद चला, हमने शायद वहाँ पे पेड़ पौधे कुछ लगाए कुछ नहीं लगाए, कुछ जगह कंस्ट्रक्शन कर लिया कुछ जगह ये काम करा, और उसके लिए केस लग गया, हमारा वकील उसकी पैरवी कर रहा है, हम वकील को फीस दे रहे हैं। दोस्तों इनका ये कहना है कि ये जो वकील को फीस दे रहे हैं, इससे ना तो मेरी कोई असेट्स की कैपेसिटी बढ़ रही है, ना कोई मेरे को कोई भविष्य का बेनिफिट मिल रहा है, बल्कि मैं तो केवल अपने अधिकारों को मेंटेन करने के लिए उसका कोर्ट केस लड़ रहा हूँ, तो इससे मेरे अधिकारों की कोई वृद्धि नहीं हो रही, कमाने की क्षमता नहीं बढ़ रही, और ये काम मेरा रूटीन है, कोई भी मेरे ऊपर थोड़ा मोटा छोटा मोटा केस लगाता है और मैं उसके लिए रूटीन पैरवी करता हूँ, वकील को फीस देता हूँ। जब आदमी बड़ा हो जाता है, बिजनेस बड़ा हो जाता है, तो तमाम उसके ऊपर छोटी मोटी बातों के केस लगते रहते हैं, उनका वकील उनके लिए लड़ता रहता है, और वो एक रूटीन फीस है। जैसे अपन एक बात करें रिलायंस मोबाइल, आइडिया मोबाइल, हम लोग कई बार कई मोबाइल के नेटवर्किंग से चिढ़ते हैं, कई बार हम बोलते हैं बैलेंस कट गया, हम लोग बोलते हैं बहुत धमकी देते हैं कि साहब हम कोर्ट केस कर देंगे, हम करते नहीं हैं, पर कई कोई सिरफिरे होते कर भी देते हैं, तो क्या इनको लड़ने के लिए अंबानी आएगा, क्या इनका ऑनर बिल्डर आएगा, नहीं आएगा दोस्त। ये लोग अपने एक रूटीन वकील को रखते हैं, वकील को बोलते हैं ऐसा ऐसा केस है, आप देख लो जरा, छोटा मोटा केस है, रूटीन मेंटेनेंस वाली बातें, राइट, आप करते रहो, आपको आपकी फीस आती रहेगी। तो अगर आप अपनी कोई प्लांटिव लैंड के लिए किसी वकील को कोई फीस दे रहे हो, तो दोस्तों इससे केवल मेंटेनेंस का अधिकार चल रहा है, आपकी कोई कैपेसिटी नहीं बढ़ रही है, रूटीन इस तरह के केस आते रहते हैं, रूटीन इस तरह के काम आते रहते हैं, और इससे कोई कैपेसिटी न बढ़ने के कारण कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, बल्कि इस तरह के रूटीन केस आने की पैरवी वकील करता रहता, उन्हें फीस देते रहना एक बिजनेस को मेंटेन करने की निशानी होती है, और इससे कोई असेट्स की कैपेसिटी नहीं बढ़ती, और इस तरह का काम रूटीन लगातार होता रहता है, तो इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा गया है। दोस्तों पांचवा पॉइंट बहुत खास, अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्न आउट पार्ट ऑफ द मशीन। दोस्तों एक मेरी मशीन है, उसका एक पार्ट्स जल गया और मैंने बदले में दूसरा पार्ट्स लगाया, मेरी मशीन एक पार्ट जला दूसरा पार्ट लगा दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल रहा, मैं बोलता हूँ फॉल्स। क्यों सर, वो पार्ट जल गया दूसरा पार्ट्स आएगा तो उससे कैपेसिटी बढ़ जाएगी। क्यों भैया, पंखे की एक मोटर थी, वो मोटर चल रही थी, वो मोटर जल गई, दूसरा तूने मोटर लगा दी, उससे क्या पंखा तेज चलेगा, नहीं वैसे ही चलेगा, मोटर जलने कर नहीं चल पा रहा था, मोटर लगा दी चलने लग गया, कोई पार्ट्स मशीन में था जल गया वो लगा दिया तो वो वही काम कर रहा है। तो दोस्तों अगर कोई वॉर्न आउट पार्ट है और उसको जल गया और आपने नया पार्ट्स लगाया, तो वो रेवेन्यू क्योंकि उससे कैपेसिटी नहीं बढ़ी, पर हाँ आपने नया पार्ट्स अगर लगाया है और वो बड़ी हुई कैपेसिटी का लगाया, इनहेंस कैपेसिटी का लगाया, उससे उसकी कमाने की क्षमता, उससे काम करने की क्षमता, प्रोडक्शन की क्षमता बढ़ गई, लाइफ बढ़ गई, तो फिर वो रेवेन्यू नहीं होगा, कैपिटल होगा। तो इफ यू इनकर्ड द एक्सपेंडिचर फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द वॉर्न आउट पार्ट, दैट एक्सपेंडिचर वुड बी नोन एज कैपिटल। अगर वो कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, कैपेसिटी को नहीं बढ़ा रहा है तो रेवेन्यू। इस क्वेश्चन में कहीं कैपेसिटी के बारे में नहीं बोला,
तो मैं इसे रेवेन्यू मानूंगा दोस्तों, ये कैपिटल नहीं मानूंगा। अगर वो बोल देता कि इनहेंस कैपेसिटी है, तो जितना उसी कैपेसिटी तक की बात है तो वो रेवेन्यू और उससे ऊपर का कैपिटल। जैसे 1 लाख रुपए का पार्ट जला और अब मैंने 1.25 लाख का लगाया नई बड़ी कैपेसिटी का, तो 1 लाख वाली कैपेसिटी का 1 लाख से रिप्लेस होता तो रेवेन्यू, 1.25 लाख का करा तो इसमें 1 लाख रेवेन्यू हो गया और 25,000 कैपिटल हो जाएगा, क्योंकि 25,000 बड़ी भी कैपेसिटी के कारण है और 1 लाख रुपए रेवेन्यू कैपेसिटी के कारण है। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द रिपेयर एंड वाइट वॉश फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार किसी भी बिल्डिंग ओल्ड हो या न्यू हो आपने एक्वायर करी, उस समय कोई व्हाइट वॉश किया हो, तो खर्चा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है दोस्तों, और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल रहा है दोस्तों, फॉल्स है, पॉइंट नंबर 6 फॉल्स। चेक, इसका मतलब दोस्तों अगर आपने पहली बार कोई व्हाइट वॉश खर्चा किया, पहली बार आपने कोई मेंटेनेंस खर्चा किया, पहली बार आपने अपने बिजनेस की बिल्डिंग को बनाने में कोई रंगाई पुताई करी है, ओल्ड बिल्डिंग को खरीदा हो तो भी, चाहे नई बिल्डिंग आपने बनाई हो तो भी, फर्स्ट टाइम व्हाइट वॉश, फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिकल फिटिंग, फर्स्ट टाइम जो भी खर्चे हो रहे हैं कैपिटल होंगे दोस्तों। बाद में अगर व्हाइट वॉश कराए तो रेवेन्यू होगा। एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विथ ऑब्टेनिंग ए लाइसेंस फॉर रनिंग द सिनेमा इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर दोस्तों। एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विथ ऑब्टेनिंग ए लाइसेंस, फर्स्ट टाइम अगर आपने लाइसेंस लिया है सिनेमा को चलाने के लिए, फर्स्ट टाइम कोई भी काम करने के लिए लाइसेंस लिया हो कैपिटल है, बाद में वही लाइसेंस लिया और रेवेन्यू है दोस्तों, तो बाद में जो भी काम किया होता रेवेन्यू, तो यहाँ पे ट्रू आएगा दोस्तों, ट्रू। चेक कर लें, और एक और छोटा सा 8वां पॉइंट दोस्तों, कई बार हमने देखा कि हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, अपना ऑफिस बनाते हैं, अपना शोरूम बनाते हैं, अपनी फैक्ट्री बनाते हैं, तो जैसे ही हम न्यू खोदते हैं चौकीदार की गुमटी बन जाती है, उस चौकीदार की गुमटी को कच्ची हम मकान बोल सकते हैं, ईंटें लगा देते हैं, तराफे लगा देते हैं, जब वो बिल्डिंग हमारी मोस्टली बन जाती है तो आखिरी में वो झोपड़ी को तोड़ देते हैं। क्या करते हैं क्या उस झोपड़ी का? सर वो कच्ची झोपड़ी रहती है, उसमें सर जो ईंटें रहती है वो ऊपर छत पे मुंडेर पे लग जाती है, मतलब कहीं ना कहीं वो ईंट उस मकान पे लग गई। सर वो तराफे जो हैं ऊपर ही कहीं ना कहीं कोई शेड वेड में लग जाते हैं, नहीं तो फिर हम उसे कुछ भी ट्रीट कर लेते हैं, लेकिन सर कुल मिला के वो जो झोपड़ी बनी है ना वो अल्टीमेटली इस बिल्डिंग को बनाने के लिए हुई थी। वो जो चौकीदार की गुमटी बनी ना सर, जिसमें माल का स्टोरेज करते हैं, बाद में उसका मटेरियल बहुत सारा उस बिल्डिंग में ही कर लेते हैं, और ये जो झोपड़ी बनाई थी बिल्डिंग को बनाने के लिए ज़रूरी भी थी। तो दोस्तों अगर चौकीदार की गुमटी बिल्डिंग को बनाने में लगी गई है, तो बाद में उस चौकीदार की गुमटी में लगाया गया सामान या तो बिल्डिंग में यूज़ होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, नहीं भी यूज़ होता है तो भी हम बोलते हैं कि साहब ये चौकीदार की गुमटी उस बिल्डिंग को बनाने के लिए नीडेड थी, नेसेसरी थी, दैट एक्सपेंडिचर वुड बी नेसेसरी फॉर एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, सो दैट इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड दिस इज द राइट अमाउंट स्पेंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्परेरी हट्स विच वर नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन, विच वर नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिनेमा हाउस, और बाद में जब वो सिनेमा हाउस बन गया तो उसे डिमोलाइज करके, डिमोलाइज व्हेन द सिनेमा वॉज रेडी। तो दोस्तों चौकीदार की गुमटी उस कंस्ट्रक्शन करने के लिए ज़रूरी थी, और जैसे ही वो गुमटी बन गया, मतलब मकान सिनेमा थिएटर बन गया, उसके बाद उस गुमटी को तोड़ दिया गया, उसका जो मटेरियल यूज़ आने लायक था वो यूज़ कर लिया, बाकी को फेंक दिया गया, जो भी हो वो गुमटी ज़रूरी थी उस बिल्डिंग को बनाने के लिए। तो दोस्तों इस पे होने वाला खर्चा आपका कैपिटल खर्चा कहलाएगा, और इसने कैपिटल खर्चे की बात बोली गई है दोस्तों, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ट्रू। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इतनी सब थ्योरी के साथ में आप लोगों ने इसको पूरा अच्छे से देखा होगा। आप क्वेश्चन नंबर 1 को एक बार ज़रा वापस रीड कर लें, मैं आपसे फिर एक बार इस पर चर्चा करूँगा, पर एक बार आप क्वेश्चन नंबर 1 को आप आसानी से चेक कर लें। सेकेंड हैंड मशीनरी पर ओवरहॉलिंग कैपिटल है, मनी स्पेंड टू रिड्यूस द वर्किंग एक्सपेंडिचर कैपिटल है, लीगल फीस एक्वायर इनकर टू एक्वायर द प्रॉपर्टी कैपिटल है, लॉयर को फीस देना टू डिफेंड द सूट फाइल दैट द प्लांटिफ लैंड वाली बात कर रहा है रेवेन्यू है, रिप्लेसमेंट कर दिया किसी पार्ट्स का सेम कैपेसिटी कुछ नहीं बोल रहा है रेवेन्यू है, फर्स्ट टाइम व्हाइट वॉश कराए कैपिटल है, सिनेमा थिएटर को फर्स्ट टाइम ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस फीस ली कैपिटल है,
नया सिनेमा थिएटर बनाने के लिए टेम्परेरी हट्स बनाई, बाद में उसे डिमोलाइज करके उसी में यूज कर लिया गया कैपिटल है। तो दोस्तों इसी के साथ आप लोगों के ये पहला पार्ट मैंने आप लोगों का कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का आज का लेक्चर आप लोगों को दिया है। कल हम इसके क्वेश्चन नंबर 2nd से लेके 6, 7 तक कोशिश करेंगे। दोस्तों मैंने इसमें तमाम मॉड्यूल के क्वेश्चन ले लिए हैं, इसमें पूरा मॉड्यूल ले लिया है। इवन दो अगर आप सीए से परिचित हैं तो आपके एग्ज़ाम के पहले इंस्टीट्यूट ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा आपको रिवीजन टेस्ट पेपर अर्थात अपने खुद की चेकिंग करने के लिए कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए कि आप कितने पानी में हैं, ये एक रिवीजन टेस्ट पेपर दिया जाता है। दोस्तों पिछले 4-5 अटेमों की जो RTP ICAI ने दी थी वो मैंने यहाँ पे आपके सामने रखी है। आप इन सब क्वेश्चन को RTP में 18 जो इंस्टीट्यूट ने दिए थे, RTP नवंबर 18, RTP मई 19, फिर नवंबर 19 और अभी एक्सपेक्टेड जिसको बात कर सकते हैं मई 20। दोस्तों ये भी ले लिए मैंने, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मैंने आपके सामने नोट्स में लिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसे कल घर पे पढ़ के आएंगे ताकि हम लोग इस चैप्टर को आगे की बात करेंगे और आगे के क्वेश्चनों को करेंगे। टुमारो वी विल डिस्कस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड। जितने क्वेश्चन आप घर से करके आएंगे उतनी हम लोग आसानी से इस चैप्टर में ग्रिपिंग कर पाएंगे। छोटा चैप्टर है, 12 नंबर की वर्थ रखता है। कम मेहनत ज़्यादा रिटर्न, ज़्यादा अपनी वैल्यूबल बात होती है, ए प्लस ग्रेड का टॉपिक। और दोस्तों इस टॉपिक के साथ हम लोग अपने 10 से 12 नंबर को अचीव करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, कल मिलते हैं आगे के क्वेश्चनों के साथ फ्रॉम 2 ऑनवर्ड क्वेश्चंस।